सामने उसके ट्रिप लगन लग रही। और गाइस आज गली में बिल्कुल जाम लग गया था, इतने सारे डॉग्स हो रहे। बस आज जंगली डॉग्स को अपनी गैंग दिखा करनी कि हाँ अपने पास भी तकड़ी गैंग है पूरी। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉग चैनल। और गाइस सुबह सुबह बैड न्यूज मिलेगी, छोटे पैकेट का पता नहीं क्या हो गया, खाना वाला कुछ नहीं खा रहा और रोक्सी वाला एक पप्पी बीमार हो गया। नैसे ना रात खाना खाया, नैसे ना सुबह के टाइम खाना खाया, अब एक बार इसका टेम्परेचर चेक कर रहा, क्या पता फीवर हो रहा हो। और गाइस ये देखो बुखार कितना हो रहा, 105.5, बहुत तकड़ा बुखार हो रहा है इसका। तो गाइस अभी छोटा पैकेट तो डाल लिया और गाइस डिम्मी आ गई, बट भाई डिम्मी के आने से पहले सारे डॉग्स को अंदर बंद कर दिया था, उस दिन पंगा हो गया था ना, जोरा ने तो उस दिन अटैक ही कर दिया था, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लिया, पहले ही बंद कर दिया उसे। और गाइस बिल्कुल अरे तू भी थी गया, जूली एकदम से भोग पड़ी। और गाइस बिल्कुल सीधी है, किसी के ऊपर अटैक वटैक कुछ नहीं करती यार, नहीं वाह डिम्मी। और गाइस अब एक बार डॉक्टर के पास चल रहे, रोक्सी वाले पप्पी को लेकर और छोटे पैकेट को लेकर। रोक्सी वाले पप्पी की ज्यादा टेंशन होगी, अगर 1% उसका पारो वायरस हो गया सारे के सारे पप्पी से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बस भाई पारो वायरस ना हो, पारो वायरस से डर लगा मुझे। देखना भाई एक दिन में बेचारा मुर्जा ऐसा हो गया, नैसे ना रात खाना खाया और नैसे ना सुबह के टाइम खाना खाया। वैसे तो पूछ ला रहा एक्टिव है थोड़ा बहुत, थोड़ी सी दिक्कत बस पारो वायरस की है, इसने उल्टी भी करी थी ना। अब भाई बस एक बार छोटे पैकेट के आने का वेट कर रहे, फिर चलेंगे सीधा डॉक्टर के पास इन दोनों को लेकर। और गाइस अभी रास्ते में से वो फीमेल भी ले ली जिसका पेट उस दिन मोटा हो गया था ना, वैसे तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करवा दिया था बट भाई उसका पेट फिर से मोटा हो गया, अभी रास्ते में दिखी थी पीछे डिग्गी में बैठा ली, डॉक्टर के वहीं पे चलकर दिखाऊंगा क्या कंडीशन है उसकी। छोटे पैकेट की तबीयत ज्यादा डाउन है बेचारा, आवाज लगाने से भी नहीं उठ रहा। ले ओए पैकेट, यानी भाई मुंह भी उठा रहा बेचारा। तो गाइस आगे फाइनली डॉक्टर के पास, ये रहा अपना छोटा पैकेट और इसके अंदर ये बैठी रेस्क्यू वाली फीमेल। और गाइस रेस्क्यू वाली फीमेल को बाहर छोड़ देता, थोड़ी बहुत देर घूम फिर लगी, टॉयलेट वगैरह कर लगी, लिख ले पूछ लान लग रही, इसके पेट से आज फिर से पानी निकलवाना पड़ेगा। और गाइस अपने छोटे सिम्बा का 102 बुखार हो रहा, छोटे पैकेट का 105, इसका 102। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस अभी स्टोर पर दवाई लेने के लिए आया था, डॉक्टर की ले ली थी बाइक। और गाइस छोटे पैकेट का हो रहा टिक फीवर और रोक्सी वाले का हो रहा पारो वायरस, सामने उसका ड्रिप लगन लग रही। और गाइस ये रहा रोक्सी वाला पप्पी, इसका ड्रिप नहीं लगवा रहे, कम एज है ना इसकी, इसकी दवाई चलाऊंगे। वैसे पूरा आधा घंटा हो गया इसके पास बैठे बैठे, बट भाई लगातार पानी निकल ही निकल रहा और पेट अभी तक कम भी नहीं हुआ, इतना का इतना ही पेट लग रहा मुझे। तो गाइस अभी फाइनली तीनों का ट्रीटमेंट हो गया और गाइस ड्रिप लगते ही छोटा पैकेट बिल्कुल एक्टिव हो गया। ये देखना भाई पूरे जोर लगा के चल रहा, वरना भाई थोड़ी देर पहले मुर्जा ऐसा हो रहा था कुछ। भाई सामने फीमेल खड़ी ना इसकी तरफ को बढ़ रहा। तो गाइस आगे फाइनली घर पे छोटे पैकेट को लेकर और रोक्सी वाले को लेकर, अब भाई एक बड़ी सा दवाई वगैरह देता हूँ और गाइस रेस्क्यू वाली फीमेल को छोड़ दिया था वहीं पे। तो गाइस अभी रोक्सी के एक पप्पी का जाने का टाइम हो गया, मेल पप्पी का सारा गिल्ला कर दिया, ये घुस गया था चावलों की बाल्टी में। रोक्सी का पप्पी मरने से ले जल्दी दिया, क्या पता उसका भी पारो वायरस हो जाए, अभी तो ये दोनों ठीक है बट भाई क्या पता नहीं कभी पारो हो जाए, एक तो दे दिया फीमेल को और देखता हूँ। रोक्सी को देखो आज बार बार ऊपर आ रही, इसका एक पप्पी यहाँ पे है ना, थोड़ी बहुत देर अपनी माँ का दूध पिलागा। वैसे भाई मुझे लग रहा है वो एक्टिव है, जल्दी ठीक हो जाएगा, ये देखो भाई पूरा एक्टिव है, वरना भाई पारो वायरस में तो बिल्कुल ही बैंड बज जा पप्पी की। कुछ हम इसे एकदम डॉक्टर के पास ले गए ना, इसलिए आराम लग गया इसका जल्दी। A few inches later शाम होगी बट भाई एक गड़बड़ होगी, सुबह के टाइम मैंने वो मेल पप्पी दिया था ना, अब उसे देख मैं पछता रहा, जो उसके साथ की वो फीमेल पप्पी है रोक्सी वाली, उसका बिचारी का मन नहीं लग रहा, नीचे बिचारी पै 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 कर रही, वो वाला पप्पी जा भी दूर लिया, वरना मैं उसे वापस मंगा लेता, अब भाई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं इस वाले पप्पी के साथ, छोड़ नहीं सकता। रोको तू रहला 2-4 दिन उसके पास, रहता नहीं रोक तो बिल्कुल रेडी है बट भाई वो घूमने के नाम का रेडी है, शाम होगी ना। वैसे भाई मुझे लग रहा कल तक ये वाला पप्पी ठीक हो जाएगा क्योंकि भाई एक्टिव है पूरा। हाँ भाई नन्ने मुन्ने ठीक हो जाएगा कल को, देखो भाई पूंछ भी ला रहा, चल कल तक ठीक हो जा। और गाइस अपनी जोरा थोड़ी सी बड़ी होगी वरना जोरा को बंद कर देता उनके पास। और गाइस मैं सोच रहा जूली वाला एक पप्पी उस छोटी सी के पास छोड़ता हूँ, इस वाले को छोड़ता हूँ कनखड़े को, आ जा भाई बाहर आ जा, ये तो भाई बाहर आते सीधे जूली के नीचे लग गए वे लग गए, आ जा भाई छोटे चिंटू तू भी आ जा, इनमें से एक पप्पी को उसके पास छोड़ दूंगा, बढ़िया जी लग जाएगा उसका भी। तो गाइस अब रोक को लेकर चलता हूँ घुमाना, रोक को और सिम्बा को आज दोनों को लेकर चलूंगा। पोवे किसा पकड़ेगा रोक को सिम्बा को? सिम्बा साइज में पोवे सा बड़ा, रस्ते में देखना कैसा बैंड बजाओगा इसकी। पोवे देख ले कभी चोट लगवाना है, चोट ना लगवा लिए अरे वारा वा, पोवे में ताकत है। पोवे, अरे रोक से तू कहाँ चल दी। तो गाइस अभी सीन मिस हो गया, पोवा बेचारा धरती में जाकर गिरा। गली में सिम्बा ने पोवे को नीचे मारा, बढ़ देगा। और गाइस आज इतने सारे डॉग्स हो रहे, अगर जंगली डॉग्स के इलाके में जा लिए, उनसे ज्यादा डॉग्स तो अपने पास हो रहे, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 हो रहे और एक पोवे को मिला के 6 हो गए। चिंटू है 7 हो गए, चले। तो गाइस अभी थोड़ा सा रिस्क ले रहे, जंगली डॉग्स के इलाके में चलेंगे, रोक को नहीं छोड़ने का, रोक को बांध के रखेंगे। पोवे रोक को ना छोड़िए बिल्कुल भी, ठीक है तेरी जिम्मेदारी है रोक की, कोशिश करेंगे खूब आगे तक जाने की। लो भाई रोक्सी और सिम्बा को तो पानी मिल गया, दोनों का फेवरेट काम पानी में मस्ती करना। चिंकी तू भी घुस गई, चिंकी भी ना देख देख कर पानी के अंदर घुस गई। पोवे छोड़ दे, रोक को भी खुला छोड़ दे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है,
थोड़ी बहुत देर भी खेल कूद लगने के साथ। और कई साज गली में बिल्कुल जाम लग गया था, इतने सारे डॉग्स हो रहे। बट भाई इतने सारे डॉग्स लाने का ये फायदा हो गया, कोई सा भी डॉग भोका नहीं, वरना भाई रोज तो गली में को डॉग्स लाना मुश्किल हो जाता। बहुत देर मस्ती होगी, अब चल रहे आगे। रोक को पहले बांध लिया, होवे छोड़िए ना बिल्कुल भी। बस रोक की दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। बस आज जंगली डॉग्स को अपनी गैंग दिखा करनी कि हाँ अपने पास भी तकड़ी गैंग है पूरी। हर बार जंगली डॉग्स अपने गैंग के दम पर जीत जाते, इस बार अपनी साथ भी पूरी लंबी तकड़ी गैंग है। और पोवा भी है, पोवे मार तो देगा तू उनका बुड़के, मार देगा पोवे को लपेट दिया गए, पोवे के साथ बना दी फिल्म। न जाने का ही नहीं, रोक मेरे बिना ना जाने का। अगर मग जा लिया फिर तो भाग पड़ेगा। बट भाई पोवे का चोट लग जाएगी, रहने तक की चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। एक बार तो बेचारा गली में गिरेगा, पीछे गली में सिम्बा ने बहुत जोर का गिरा नीचे। और गाइस सिम्बा और चिंटू पता नहीं कहाँ जा लिए, रोक सी और रोक तो यहीं पे खड़े, और जूली भी यहीं पे है, और चिंकी भी जा ली कहीं को। आगे आगे चिंकी आने लग रही, हिस्सा देखो भाई चिंकी को, या भी इनके साथ रह के पूरी बदमाशी करे। चिंकी कोई ठाका भाग जागा, और सीधी रोक के पास आके हो जा खड़ी। बहुत तेज हो रहा है। रोक ने पौवे की रेल बना रखी, बार बार लेकर भाग जा से। पौवे बस तू सा छोड़ ना दिए। और गाइस आज एक काम कर रहे, बिल्कुल आगे तक चल रहे, इस साइड को जाके और उधर को घूम के अपने खेत के वहां निकल जाएंगे। बस भाई एक बार ठीक ठाक इस वाले इलाके से निकल जा, सामने डॉग्स भी तो ज्यादा है। वैसे भाई अभी तक एक भी डॉग नहीं दिखा, गैंग तो दूर की बात, दूर से दूर तक एक भी डॉग नहीं दिखा, आज तो पहली बार हुआ ऐसा। चिंटू को देखो बिल्कुल रोक के पास आकर हो गया खड़ा, बिल्कुल चिपक चिपक के चल रहा। चिंटू को शायद अपना वो वाला सीन याद आ रहा, यहाँ पे इसके साथ बहुत कड़ी फाइट होगी थी। भाई सामने से डॉग्स हो गए भोगने शुरू, पोवा भाग भी पड़ा। अरे पोवे, अरे खा जाएंगे वे तुझे, साले को बम से उड़ा दूंगा। पोवे को देखो सुपरमैन बनकर जा रहा है, चिंटू और सिम्बा भी जा लिए, गुड बाय। और गाइस अब सीधे सीधे चल के अपने खेत के वहां को निकल जाएंगे, जो रास्ता हमारे खेत के वहीं जा रहा। और एक से देखो सिम्बा को, ओए सिम्बा बाहर निकल। रोक्सी भी जा ली, सिम्बा और रोक्सी दोनों के दोनों सेम है। और गाइस सामने से आ लिया चिंटू का दुश्मन, जो वो सामने रेड से डॉग खड़ा लंगड़ाता हुआ रहा। बट भाई वे तो पहले ही भाग गए, वे जा लिए गया। फाइनली रोक को भी खुला छोड़ दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओए रोकू कहाँ घुस गया, ओए बाहर निकल, बाहर आजा बाहर आजा। और गाइस आज पहली बार अपने डॉग्स को लेकर इतनी दूर आए, बिल्कुल आगे तक आ गया आज तो। घर पर जाने में बिल्कुल अंधेरा ही हो जाएगा, कम से कम 4-5 किलोमीटर का चक्कर बैठ गया होगा यहाँ तक, और थोड़ी बहुत देर में सनसेट भी हो जाएगा। तो गाइस अभी चलते चलते बैंड बज गई पौवे की, पौवा थक गया बेचारा, इसलिए भाई हमने डिसाइड करा एक शॉर्टकट मारते हैं, यहाँ से सीधे सीधे चलेंगे खेतों में को निकल के। अरे इतना गहरा पानी थोड़ी आयो, चल पहले तू ही चल। मैं अच्छा। चला कि तू चल पहले, पोवे तू तो कूद जाएगा बरके में, जा रोक्सी में बैठ कर चले जा। अरे वाह रोक्सी कह रही मजा कर दिखमी, अच्छा भाई रोको आजा शॉर्टकट में को लेकर चले। बस भाई बीच में कहीं को जंगली डॉग्स की गैंग ना मिल जा, कभी पता चले सामने ईख में बैठी। यहाँ से आगे अपने खेत है इस खंबे से आगे। और गाइस पोवे को देखो सीधा अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया, चल 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 बस थोड़ा सा रह गया। ये देखो भाई अंदर से लाल लाल है और मीठा बिल्कुल, इस वाले पेड़ के सारे अमरूद मीठे रहे। बस भाई कीड़ा ना निकल जाए, एक बार मैं कीड़ा खा गया था। क्या बोला तूने? रोको गन्ना ही चुस्से जागा के, ला अमरूद खा ले, ले अमरूद खा ले थोड़ा सा खा ले। पोवे तो गिरागा, तू पक्का गिरागा, चोट ना लगवा लिए टहनी टूट जाएगी। ला मैं लेऊंगा गोदी, गोदी लेऊं। अबे साले अच्छा हट रहा। अरे नहीं यार, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, कान पकड़ के। पौवा गिरन वाला पौवा, अरे अरे अब कोई कूद गया। मेरा तो पता नहीं क्यों चिपट सी गए, कुजा लग रही चिट्टी चिपट की साथ, मतलब पेट पर चढ़ा भी नहीं। अरे और कोई से कभी काट रही के? मैं तो ना काट रही भाई, पूरी बॉडी और लाल लाल होगी देखे कीड़ी है। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे, और गाइस घर पाते अपना छोटा पैकेट मिल गया। अब एक बार इसका ड्रिप और लगाता हूँ, सुबह डॉक्टर ने कहा था शाम के टाइम लगा दियो। थोड़ी सी रह गई थी, बिल्कुल आराम से बैठ गया छोटा पैकेट भी, छोटे पैकेट हिलिए ना बिल्कुल भी, बस बैठ जा आराम से, बैठा बैठा पूछ लाल लग रहा। तो गाइस अभी फाइनली छोटे पैकेट का ड्रिप लग गई, और गाइस ड्रिप लगते ही बिल्कुल एक्टिव हो गया। और गाइस आज के ब्लॉग के एंडिंग यहीं पे करता हूं, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।